सभी ट्रेड में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स एक कंपलसरी सब्जेक्ट है। उसका भारत स्किल्स पर एक नया PDF अपलोड हुआ है, नए क्वेश्चंस अपलोड हुए हैं जिनकी प्रबल संभावनाएं हैं कि वो 2023 के CBT एग्जाम्स में इन प्रश्नों को पूछा जाएगा। इस वीडियो का उद्देश्य इस नई PDF के क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने के लिए है ताकि आपको वो रटने ना पड़े, आप समझ के उन सवालों को जाएं तो आपकी परीक्षाएं बहुत अच्छी होंगी। हर बार की तरह इस अभ्यास टेस्ट का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिससे आप स्वयं अपनी तैयारियों का आकलन कर सकें। तो चलिए सर, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स आपकी सॉफ्ट स्किल्स को कहा जाता है। एक तो हार्ड स्किल्स हैं जो आप अपनी ट्रेड थ्योरी और ट्रेड प्रैक्टिकल में सीखते हैं, इसके अलावा रोजगार को पाने और उसको बरकरार रखने की कुछ स्पेशल कौशल होते हैं, जिसमें कम्युनिकेशन एक है, आपकी क्वालिटी की नज़र एक है, आपकी बातचीत, आपके व्यवहार, एथिक्स, वैल्यूज़, ये सारी जो सॉफ्ट स्किल्स हैं जो एक इंसान के अंदर होनी चाहिए, जो उनके बारे में आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में समझाया जाता है। एक बात जो बहुत सारे बच्चों को परेशान कर रही है वो ये है कि क्या सवाल इंग्लिश में ही आएंगे। देखिए, PDF में अभी जो प्रश्न दिए हुए हैं वो सारे इंग्लिश में ही हैं। मैं हर प्रश्न का आपको हिंदी में लिखकर अलग से इन प्रश्नों के साथ दिखाता रहूँगा, पर ये गारंटी नहीं है कि हिंदी में यही भाषा हो जब आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएँ वो, और ये भी गारंटी नहीं है कि वो परीक्षाओं में आपको हिंदी में अनुवाद देंगे या नहीं देंगे। पर बड़ा सवाल ये है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हमें तैरने का मन भी है और हम पानी में उतरने से डरे भी, हमें इंग्लिश सीखने का मन भी है और हम इंग्लिश से डरें भी, ऐसा कैसे चलेगा? इंग्लिश इतनी आसान है कि आप सभी उसको समझ जाएंगे, तो इसलिए पहले डरना बंद करें और प्रश्नों को समझ के उसका उत्तर देने की शुरुआत करें। पहला प्रश्न है, विच ऑफ द ऑप्शंस इज नॉट एन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। इनमें से कौन सा आपका एम्प्लॉयबिलिटी कौशल नहीं है? निम्न में से गुड रनर, आप अच्छे धावक हैं, बहुत अच्छा दौड़ते हैं, क्या ये आपकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है? मेरे ख्याल से नहीं है। आगे ऑप्शन पढ़ लेते हैं। गुड इंटरव्यू स्किल्स, अगर आपके पास साक्षात्कार देने के अच्छी स्किल्स हैं, मतलब आप फॉर्मल ड्रेस पहन के जाएंगे, फॉर्मल तरीके से बैठेंगे, फॉर्मल तरीके से बात करेंगे, ये सारी इंटरव्यू स्किल्स यानी कि साक्षात्कार स्किल्स कहलाती हैं। अगर ये अच्छी है तो आपको रोज़गार जल्दी मिल जाएगा, आपको रोज़गार मिलने की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं। तो हमसे तो ये पूछा गया है कौन सी नहीं है, ऊपर लिखा है नॉट एन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, तो दूसरा ऑप्शन तो गलत हुआ क्योंकि ये तो एक अच्छी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है। तीसरा ऑप्शन है गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, अगर आपका संचार कौशल, आपके बातचीत करने के तरीके बहुत अच्छे हैं तो आपको रोजगार जल्दी मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, तो ये ऑप्शन भी गलत हुआ। क्विक लर्निंग, आप बहुत जल्दी सीख जाते हैं चीज़ों को, तब भी आप किसी व्यवसाय के लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे, तो वो भी आपकी एक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की श्रेणी में आती है अगर आप क्विक लर्नर हैं। इसका एक ही उत्तर सही है, गुड रनर, आप अगर अच्छे धावक हैं तो आप एक अच्छे स्पोर्ट्समैन हो सकते हैं, पर व्यावसायिक नजरिए से आपकी वो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 2, एन एम्प्लॉय इज समवन हु, हमें बताना है एम्प्लॉय कौन होता है। देखिए, आपने ये दोनों शब्द सुने होंगे, एक होता है एम्प्लॉय जो काम करता है, एक होता है एम्प्लॉयर जो रोजगार देता है। तो एम्प्लॉय पूछा जा रहा है कि वो कौन है। एम्प्लॉय को हिंदी में अगर आप कहना चाहें तो कर्मचारी कह सकते हैं जो काम करेगा, और एम्प्लॉयर वो होता है जो जॉब देगा, उसको नियोक्ता कहते हैं। तो देख लेते हैं नीचे ऑप्शन में एम्प्लॉय किसको कहा जा सकता है। गोज टू स्कूल टू स्टडी, जो पढ़ने के लिए स्कूल्स में जाए, विद्यालय में जाए, उसको एम्प्लॉय नहीं कहते, उसको छात्र कहते हैं, स्टूडेंट कहते हैं। ऑप्शन 2 है डज नॉट वर्क, जो काम ही ना करे, जो काम ही ना करे तो वो कर्मचारी कहता है ना, तो ये भी ऑप्शन गलत है। वर्क्स फॉर सैलरी, ये बात सही है, जो कर्मचारी है उसको सैलरी मिलती है और वो अपने कौशल को प्रयोग करके उस व्यवसाय के लिए काम करता है। ऑप्शन सी सही लग रहा है, फिर भी आखिरी ऑप्शन देख लेते हैं। गोज टू प्ले, वो खेलने जाता है खेलने का वक्त अब नहीं मिलेगा, संडेज को मिलेगा बस। तो ऑप्शन सी सही है, वर्क्स फॉर अ सैलरी, एम्प्लॉय वो होता है जो वेतन के लिए काम करता है। क्वेश्चन नंबर 3, विच आर द 2 स्किल्स नीडेड फॉर गुड करियर ग्रोथ। करियर मतलब आप अपने व्यवसाय, अपने रोजगार में ऊंचाइयों पर पहुंचें और सफल हों, या तो सैलरी बढ़े या औधा बढ़े, उसको हम करियर ग्रोथ कहते हैं। नीचे दिए हुए विकल्पों में से कौन सा ऐसा कौशल है जो आपके रोजगार में आपको सफलता दिलवाएगा? सिंगिंग, गाना गाना, आप व्यवसाय में जाके गाना गाएंगे तो आपको प्रमोशन मिलेगा, ये ऑप्शन सही नहीं है। डांसिंग भी सही नहीं है। गार्डनिंग होता है माली वाला काम। और आखिरी ऑप्शन है टेक्निकल स्किल्स एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, रोजगार को पाने के, उसको मेंटेन करने के, बरकरार करने के और उसमें ग्रोथ करने के जो कौशल हैं उनको हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स कहते हैं। और टेक्निकल स्किल्स वही होती हैं हार्ड स्किल्स जो आप अपने प्रैक्टिकल और थ्योरी में सीखते हैं। ये दोनों अगर आपके पास हैं तो आपके करियर ग्रोथ में ये सहायक होती हैं। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 4,
Gopi is always willing to learn and improve in his work. He is a सर्टिफिकेट तो बहुत सारे लोग ले लेते हैं जबकि उनको ना सीखने का मन होता है और ना ही अपने उस कौशल को इम्प्रूव करने का मन होता है. तो सर्टिफिकेट से तो ये पता नहीं चलता कि उसका उस काम को करने का मन है या नहीं है. ग्रोथ माइंडेड, यस ये सही है, ऑप्शन सी सही है. वो हर इंसान जो सीखने का मन रखेगा और अपने आप को बेहतर करने का मन रखेगा वो विकासशील होगा. उसका जो नज़रिया होगा वो विकासशील होगा. वो अपने आप विकास करना चाहेगा हमेशा, तभी तो वो अपने आप को बेहतर कर रहा है और नई चीज़ों को सीखना चाह रहा है. ऑप्शन सी सही है. मार्क्स कार्ड यानी कि मार्कशीट और सर्टिफिकेट ये सिर्फ डॉक्यूमेंट्स होते हैं. ये सिर्फ आपको अप्लाई करवा सकते हैं जॉब को. जॉब पाना उसमें निरंतर रहना यानी कि कोई आपको जॉब से निकाल ना दे और उसमें ग्रो करना, ये आपका सर्टिफिकेट नहीं करवाएगा, ये आपके कौशल करवाएंगे. उन पर काम कीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है द मीनिंग ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स आर. एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स किसको कहते हैं ये पूछा जा रहा है. स्किल्स टू गेट अ जॉब, जो स्किल्स आपको रोजगार दिलवा सके, बात सही है. स्किल्स टू बी अ गुड एम्प्लॉय, एक अच्छा कर्मचारी आपको स्थापित कर सके, वो स्किल्स, ये भी बात सही है. स्किल्स फॉर गुड कम्युनिकेशन, अगर आपका संचार के गुणों को बेहतर बना सके उनको भी हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स कहते हैं. ऑल ऑफ द अबव आंसर सही है. ऊपर दिए हुए सारे विकल्प वो हैं जिनको आप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स कह सकते हैं. तो पहला टॉपिक तो खत्म हुआ, चलिए अब अगले टॉपिक पे चलते हैं. नेक्स्ट का बटन दबाएंगे तो आपके सामने अगले क्वेश्चन खुल जाएंगे. अगला टॉपिक है लर्निंग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स ऑनलाइन. अगर आप ऑनलाइन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को लर्न करना चाह रहे हैं, जैसे हम इस समय आपको मदद कर रहे हैं जब हम बता रहे हैं और आप सीख रहे हैं उन चीज़ों को, इसको ऑनलाइन कहेंगे. उसका पहला प्रश्न है When we learn something online, it is called, जब हम किसी चीज़ को ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट के माध्यम के द्वारा सीखते हैं, आमने सामने बैठकर नहीं, आप अपने घर में बैठे हैं, मैं अपने घर में बैठा हूँ, और तब हम जब सीखते और सिखाते हैं तो इसको क्या कहते हैं. अनलर्निंग नहीं कह सकते उसको. अनलर्निंग होता है किसी चीज़ को वापस कर देना, मतलब नकार देना. जैसे नोन होता है जिसको हम जानते हैं, अननोन होता है जिसको हम नहीं जानते. तो ऑनलाइन लर्निंग से हम ऐसा थोड़ी है कि लर्निंग नहीं करते हैं. तो पहला ऑप्शन तो गलत है. टीचिंग उसको नहीं कहते क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है व्हेन वी लर्न, व्हेन वी टीच नहीं कहा जा रहा प्रश्न में, व्हेन वी लर्न. तो टीचिंग भी वो आंसर नहीं है. ई लर्निंग वो आंसर सही है. ई लर्निंग का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मशीनों जिसको हम कंप्यूटर कहते हैं या मोबाइल फ़ोन कहते हैं, इनके माध्यम से जब हम कोई चीज़ सीखते हैं उसको हम ई लर्निंग कहते हैं, या ऑनलाइन लर्निंग भी उसको कहते हैं. मार्केटिंग उसको नहीं कहते. आखिरी ऑप्शन गलत है. क्वेश्चन नंबर 7 द बेनिफिट ऑफ लर्निंग ऑनलाइन आर. जब हम ऑनलाइन किसी चीज़ को लर्न करते हैं तो उसके बेनिफिट क्या होते हैं. पहला ऑप्शन है वी कैन लर्न एनी टाइम एंड फ्रॉम एनी वेयर. हम कभी भी और कहीं से भी लर्न कर सकते हैं, ये बात सही है. ऑप्शन ए सही है. बिकम फ्रेंड्स विद आवर क्लासमेट्स, हम अपने क्लासमेट्स के साथ दोस्ती कर लेंगे. अरे क्लासमेट्स तो तब होंगे जब आप ऑफलाइन में आओगे. ऑनलाइन में कोई आपके साथ बैठ के नहीं पढ़ रहा है तो उनसे दोस्ती नहीं हो सकती है. ऑप्शन बी गलत है. गो होम फास्ट, आप घर जल्दी चले जाओगे. घर में तो बैठे ही हो ऑनलाइन लर्निंग करते हुए, तो घर कहाँ चले जाओगे. तो सी ऑप्शन भी गलत है. सी द लाइब्रेरी, पुस्तकालय में जा सकते हो. ऑनलाइन करते हुए हम पुस्तकालय में नहीं जाते, जब हम ऑफलाइन किसी इंस्टीट्यूट में या किसी कोचिंग सेंटर में जाते हैं और वहाँ पर अगर लाइब्रेरी है तो सिर्फ हम तभी जा सकते हैं लाइब्रेरी में. तो ऑप्शन डी भी गलत है. इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 8 विच ऑफ दीज इज एन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पोर्टल. इनमें से कौन सा ऐसा है जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का पोर्टल है. पोर्टल कहते हैं वो प्लेटफॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप जाकर वहाँ के रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हो, पढ़ सकते हो. मतलब उस पोर्टल पर जो भी चीज़ें हैं उन्हें आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो, रिफ़र कर सकते हो. जैसे YouTube एक पोर्टल है जिस पर हम ये वीडियोस बना रहे हैं. ये सारी वीडियोस YouTube के सर्वर पर सुरक्षित रहती हैं और कोई भी यूज़र YouTube का वहाँ पर जाकर किसी भी वीडियो को एक्सेस कर सकता है, देख सकता है, उसको हम पोर्टल कहते हैं. तो निम्न में से कौन सा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का डेडिकेटेड पोर्टल है ये पूछना चाह रहे हैं. फेसबुक तो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है. भारत स्किल्स, यस ये सारे आपके क्वेश्चन बैंक्स भारत स्किल्स पर ही तो हैं. निमी के जितने भी डिज़ाइन करे हुए क्वेश्चन बैंक हैं इसके पीडीएफ आप भारत स्किल्स साइट से ही तो ले रहे हैं ना, तो वो साइट पोर्टल पे होगी क्योंकि इतने सारे यूज़र्स आएंगे जब भारत स्किल्स पर, तो उसके लिए एक अलग पोर्टल बनाना पड़ता है, ठीक है ना. वेबसाइट से काम नहीं चलेगा. नेटफ्लिक्स और हॉटस्टार ये तो एक पेड चैनल्स हैं, इनका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स से कोई मतलब नहीं. आप क्वेश्चन नंबर 9 राम वर्क्स एज अ फिटर इन अ कंपनी, ही वॉन्ट्स टू अपग्रेड हिज ट्रेड स्किल्स एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स इन हिज फ्री टाइम, वॉट शुड ही डू. राम कोई व्यक्ति है जो किसी व्यवसाय में काम करता है, अब उसके पास समय तो है नहीं वो विद्यालय में जाए या इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले क्योंकि काम करता है वो ऑलरेडी, पर वो अपनी टेक्निकल स्किल्स को और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को बेहतर करना चाह रहा है, मतलब उसका विकास करना चाह रहा है.
तब उसको क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है प्ले स्पोर्ट्स, उसे खेलना चाहिए, क्रिकेट खेलना चाहिए। क्रिकेट खेल के टेक्निकल और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स कैसे सुधार लेंगे आप? पहला ऑप्शन गलत है। वॉच न्यूज़, आपको खबरें देखनी चाहिए, उससे भी ये हल नहीं होगा आपकी टेक्निकल स्किल्स और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को सुधारने के लिए, तो आपको कुछ और ही करना होगा ना, तो ऑप्शन बी भी गलत है। फाइंड कोर्सेज ऑनलाइन और ऑफलाइन, या तो आप ऑनलाइन कोई कोर्सेज को ढूंढें जो आपकी टाइमिंग के अनुसार आपको वो चीज़ें सिखा सके, मतलब शाम को आपके काम के बाद, और या फिर कोई ऐसा ऑफलाइन सेंटर जहां पर आप जाकर ये टेक्निकल चीज़ें सीख सकते हैं। देखिए, ज़रूरी नहीं है ऑफलाइन के लिए आपको नौकरी छोड़नी ही पड़े, ऑफलाइन तब भी कहा जाएगा अगर आप संडेज को लाइब्रेरी में जा रहे हैं। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन आपको कोर्सेज ज्वाइन करने ही पड़ेंगे अगर आपको टेक्निकल और अपनी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को बेहतर करना है। ज़रूरी नहीं है उसके लिए हर बार आपको जॉब को छोड़ना पड़े। सबसे सही विकल्प सी है कि आप या तो ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन किसी कोर्स को ज्वाइन कर लें ताकि आपकी टेक्निकल और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स बेहतर हो सके और आप अपना करियर में ग्रोथ कर सकें। क्वेश्चन नंबर 10, जीना वॉन्ट्स टू एनरोल फॉर ई लर्निंग कोर्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग शी नीड्स आर। एक महिला है जीना और वो ई लर्निंग कोर्स को ज्वाइन करना चाह रही हैं, तो उनके पास सबसे ज़रूरी क्या होना चाहिए? बुक्स का तो यहाँ पर कोई औचित्य नहीं है, पेपर और पेन होना चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बुक्स भी होनी चाहिए, पेपर और पेन भी होने चाहिए, लेकिन उन्होंने पूछा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ई लर्निंग के लिए क्या होना चाहिए, वो है मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर। भाई, आपके पास मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर में कोई सी एक चीज़ होगी तभी तो आप यूट्यूब पे ई लर्निंग कर सकते हो या किसी भी प्लेटफॉर्म पे, किसी भी पोर्टल पर। आपको ई लर्निंग मतलब इलेक्ट्रॉनिक, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होनी चाहिए ना, उसमें मोबाइल या कंप्यूटर इन दोनों में से कोई सी एक चीज़ तो होनी ही चाहिए। तो जीना जी को अगर ई लर्निंग करनी है तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ उनके पास क्या होनी चाहिए? मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर। न्यू क्लोथ्स, हाँ, अगर आप फेसबुक लाइव किसी सेमिनार को अटेंड कर रहे हैं तो अच्छे कपड़े नहा धो के बैठो, वो भी सही है, लेकिन तब भी कपड़ों की इतना महत्व नहीं है जितना आपके पास मोबाइल फ़ोन होगा, कंप्यूटर होगा, तभी तो आप उस सेमिनार को ज्वाइन कर पाएंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या हुआ? मोबाइल और कंप्यूटर।